अस्सलामु अलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। गाय देखिए, सैरी का वक्त शुरू हो गया है और अब हम यहाँ पर सैरी कर रहे हैं। ये अर्श के डैडी हैं, इनको पराठा बना के दिया है और इधर मेरा सैरी रखी है। मैं खा रही हूँ सादी रोटी सालन से और अर्श यहाँ पर सो रहा है। वो उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी ना, तो वो देर से ही सोया था और हमने सैरी कर ली है। अब उसके बाद मैं ये बर्तन भी लेकर जा रही थी कि ले जाके इन्हें भी वॉश कर लूँ। मैं सैरी में ही बर्तन वॉश करके रख देती हूँ। अजान भी हो चुकी है, जोहर की अजानें हो रही हैं। मैं भी जा रही हूँ नमाज़ पढ़ लूँ। दूध वाले भी आ गए, दूध भी यहाँ खोलने के लिए रख दिया है मैंने। और देखिए आपका आवाज़ आ रही होगी अजानों की, अजानें हो गई हैं। अब हम आपसे मिलेंगे नमाज़ पढ़ने के बाद, फिर आपसे बात करते हैं। आज का रिपोर्ट कार्ड आ गया। अभी हम दिखाएंगे नहीं, अभी हम अपनी YouTube फैमिली को रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे बाद में। अब आप सब गैस करेंगे अर्श की कितनी परसेंटेज आई होगी। हमारे अर्श का रिपोर्ट कार्ड आ गया, आप दुआ करें अर्श मेरा अर्श सही हो जाए जल्दी से। और मैं आपको बाद में बताऊंगी कि अर्श की परसेंटेज क्या आई। देखिए आज मैंने करी है फ्रिज की सफाई, फ्रिज की बास्केट भी बहुत ख़राब हो रही थी। अब ये सब्ज़ी निकाली, हरी मिर्च और देखिए टमाटर भी ख़राब हो गए रखे रखे, ये तो बिल्कुल ही ख़राब हो गए। खीरे सब ये वॉश करके रख रही हूँ, ये साफ़ करिए, फ्रिज की सफाई करी है पूरे मैंने। अब मैं फ्रिज में बास्केट रखी सब्ज़ी रख दूँ। मेरे सारे काम हो गए थे गाइस और अब मैं जा रही थी नमाज़ पढ़ने। नमाज़ पढ़ के देखती हूँ, कल भी मैंने खाना नहीं बनाया, थोड़ा सा सैरी के लिए सालन बाज़ार से मंगा लिया था। और अब मैं नमाज़ पढ़ के फिर आगे देखती हूँ क्या करना है खाना वाना बनाने का। गाइस आज मैं कुछ ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाई, कुछ ज़्यादा शूट ही नहीं हुआ क्योंकि मैंने आज ना तो इफ्तार बनाया और ना ही खाना बनाया, तो मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाई डेली व्लॉग। अब व्लॉग ना बनाने की भी कोई वजह थी। अब जितना भी मैंने सैरी का शूट किया था, जो भी क्लिप है मेरे पास, मैं वो व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप सभी से सॉरी कहना चाहूँगी, ये एक छोटा सा बस व्लॉग बना है आज मेरा। अब मैं ईशा की नमाज़ पढ़ने जा रही थी तो मैंने सोचा मैं व्लॉग का एंड भी कर दूँ। तो गाइज मैं इस व्लॉग का एंड यहीं पर करती हूँ, कल इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। आप दुआओं में याद रखें मुझे और दुआ करेंगे मैं अच्छे से अच्छा व्लॉग ही आपके साथ शेयर करूं। और आप जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि आप लोग मेरे व्लॉग वॉच कर रहे हैं, मुझे कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। ऐसे ही आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए, बस मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।